क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरा एफ जेड था और जो रूट आ चुके थे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p निकला था, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी निकला था। तो यहाँ से जब एफ जेड मैं निकालूँगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो सीधे का सीधा ये बन जाएगा मेरे पास जेड इन टू 1+z^6 बटे, इसको तो रूट के फॉर्म में मैंने निकाल लिया था, पहले वाला रूट होगा जेड स्क्वायर माइनस के पी पहले वाला रूट और दूसरा रूट होगा जेड स्क्वायर माइनस के 1/p। क्लियर, ये दो रूट बन रहे हैं। जब ये दो रूट बन जाएंगे अब यहाँ आ जाओ रेसिड्यू पर, तो ये मेरे पास रेसिड्यू का फार्मूला था जो लास्ट लेक्चर के अंदर निकल चुका था। ओके, बराबर निकल करके आएगा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली लिमिट जेड टेंडिंग टू अंडर द रूट पी, ये हुआ जेड माइनस के अंडर द रूट पी इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू है मेरे पास जेड इंटू 1+z^6 बटे जेड स्क्वायर माइनस के पी और जेड स्क्वायर माइनस के 1/p। एक तो ये वाली वैल्यू है, प्लस अगला वाला क्या है लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस अंडर द रूट पी है, और यहाँ कितना है भाई, ये है जेड प्लस अंडर द रूट पी है और ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू है मेरे पास जेड इंटू 1+z^6 है बटे जेड स्क्वायर माइनस के पी है और जेड स्क्वायर माइनस के 1/p है। यही तो बनी ना दो वैल्यू। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, देखो बेटा क्या निकलेगा। क्लियर है ना, वैल्यू निकालता हूँ, रिजल्ट डालता हूँ, देखता हूँ कितना निकलता है। जेड की वैल्यू में डालूँगा कितनी पी, जरा ध्यान से देखना, एक तो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या बनेगा भाई, ये निकल करके आया लिमिट जेड टेंडिंग टू अंडर द रूट पी जेड माइनस अंडर द रूट पी इंटू जेड 1+z^6 बटे, इसको मैंने लिखा जेड माइनस अंडर द रूट पी और जेड प्लस अंडर द रूट पी और ये हुआ जेड स्क्वायर माइनस के 1/p। क्लियर, प्लस अगले वाला निकला लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस अंडर द रूट पी है और ये हुआ जेड प्लस अंडर द रूट पी और यहाँ हुआ जेड इंटू 1+z^6 बटे, इसको फिर लिखा मैंने जेड माइनस अंडर द रूट पी जेड प्लस अंडर द रूट पी और ये वाला स्टेप जेड स्क्वायर माइनस के 1/p। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मैंने डायरेक्टली लिमिट डाली है। जैसे मैं लिमिट डालूँगा बराबर निकल करके आया, यहाँ से देखो बेटा जेड की वैल्यू अंडर रूट पी तो ये हुई इंटू 1+p³ ये हुआ, कितना निकला भाई 1+p³। जब मैं जेड की वैल्यू रूट पी डालूंगा रूट पी 1+p³ बटे यहाँ निकलेगा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी और ये हो जाएगा भाई पी माइनस 1/p। प्लस जब यहाँ वैल्यू डालूंगा माइनस इन रूट पी, ये होगा माइनस के अंडर रूट पी और ये होगा 1+p³ बटे होगा, यहाँ से देखो आप माइनस अंडर रूट पी होगा और अगले वाला, सॉरी ये गलती करती है मैंने, माइनस का निशान होगा अंडर रूट पी होगा और यहाँ होगा कितना पी माइनस 1/p। ओके, एक बार इसको फिर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट पी 1+p³ बटे, एक और एक दो हो जाएगा
दो अंडर द रूट पी, ये होगा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस यहाँ से देखो आप, अंडर रूट पी वन प्लस पी की पावर थ्री बटे माइनस रूट पी माइनस अंडर रूट पी माइनस दो अंडर रूट पी, और ये होगा सेम पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी। इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ से एलसीएम निकालता हूँ। मेरे पास ध्यान से देखना है, शायद सारी क्वांटिटी सेम है। ओके भाई, इस अंडर रूट पी से अंडर रूट पी कैंसिल, इस अंडर रूट पी से ये अंडर रूट पी कैंसिल। ओके, और ये पी ऊपर पहुंच गया, पी इंटू वन प्लस के पी की पावर थ्री बटे दो पी स्क्वायर माइनस वन प्लस पी इंटू वन प्लस पी की पावर थ्री बटे दो पी स्क्वायर माइनस वन। दोनों सेम क्वांटिटी है, जुड़ जाएंगी, निकल करके आएगा दो पी वन प्लस पी की पावर थ्री बटे दो पी स्क्वायर माइनस वन। इससे ये कैंसिल, यानी रेजिड्यू जो निकल करके आया वो कितना निकला, रेजिड्यू हुआ मेरे पास वो हुआ पी इंटू वन प्लस पी की पावर थ्री बटे पी स्क्वायर माइनस के वन। क्लियर। अब मैं थ्योरम लगाऊंगा और थ्योरम लगाने के बाद मैं रिजल्ट्स निकालूंगा। ओके, वो पेपर देखता हूँ जहाँ मैंने रेजिड्यू की बात की। एक मिनट रुको, अब एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा। यहां से मेरे पास जो आई की वैल्यू निकल करके आई है, आई बराबर हुआ, रियल पार्ट तो ये हुआ माइनस वन अपॉन टू आई वोटा पी हुआ। क्लियर है ना, टू आई वोटा पी हुआ। और जब रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू थ्योरम से आप जानते हो टू पाई आल्टा से गुणा किया जाता है, ये तो पता ही है आपको। ओके, इसका मैंने रेजिड्यू निकाल लिया जो कि ये आ चुका कंप्लीट रेजिड्यू, बाई रेजिड्यू थ्योरम से निकाला है मैंने। आप इस चीज़ को जानते हो कि रेजिड्यू थ्योरम बोलती है सम ऑफ रेजिड्यू गुणा टू पाई आल्टा। मैंने लास्ट में टू पाई आल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये वाली वैल्यू यहाँ डालूंगा मैं इसके अंदर, कितना निकल करके आएगा भाई, ये होगा मेरे पास गुणा करूँगा गुणा टू पाई आयोटा पी वन प्लस पी की पावर थ्री बटे पी स्क्वायर माइनस के वन। टू आयोटा पी कैंसिल आउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आती है मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं। फाइनली मेरे पास कितना निकला भाई, इसका फार्मूला खोला मैंने, आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, इसको देखो बेटा यहाँ से इसको उल्टा करूँगा मैं, रियल पार्ट ऑफ आर पी ऑफ पी की पावर थ्री का फार्मूला खोला माइनस वन इंटू ये है वन प्लस के पी, और ये हो जाएगा वन प्लस के पी स्क्वायर और माइनस के पी फार्मूला खोलने के बाद बटे, इसमें फार्मूला उल्टा करके लगाया माइनस के साथ, वन माइनस के पी और वन प्लस के पी, वन प्लस पी से वन प्लस पी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना निकल करके आया, और गुणा पाई भी है इंटू पाई, कितना निकला मेरे पास, इधर लिख रहा हूँ आई बराबर जो फाइनली निकला पाई इंटू वन प्लस के पी स्क्वायर माइनस के पी बटे वन माइनस के पी, निकल गया ना। आपको प्रूफ कितना करना था जरा प्रूफ देख लीजिए, एक बार दिखा रहा हूँ आपको, जो भी आपका क्वेश्चन था मेरे पास लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन को अभी बताता हूँ। ये था, रुका एक बार
मिल जाएगा क्वेश्चन, कोई इतना लंबा चौड़ा इसके लिए। ये देखो आपको प्रूफ क्या करना था भाई, ये रिजल्ट मैच करो, माइनस के पी प्लस पी स्क्वायर इंटू पाई, माइनस पी प्लस पी स्क्वायर इंटू पाई, वन माइनस के पी, वन माइनस के पी, अर्थात हैंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।